हे गाइस, तो क्या आप लोग भी घंटों तक डायमंड माइनिंग करते हो फिर भी आप लोग को उतने डायमंड नहीं मिल पाते हैं? तो मे भी या तो आप लोग गलत कोऑर्डिनेट में माइन कर रहे हो या मे भी आप लोग सही कोऑर्डिनेट पे तो माइन कर रहे हो लेकिन अभी आप लोग का माइनिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो वर्षों तक कैलाश पर्वत में तपस्या करने के बाद मैं डायमंड माइनिंग के ऐसे ट्रिक लेके आया हूँ जिससे कि आप लोग को डायमंड ही डायमंड मिलेंगे, और इतने डायमंड मिलेंगे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को डायमंड नेकलेस तक दे सकते हो। मेरी भी नहीं है गाइस। बात से भटकना नहीं है गाइस। सो यह आप लोग एक भी पॉइंट को मिस मत करना, नहीं तो आप लोग को डायमंड की जगह नकली डायमंड लैपिस भी मिल सकता है। और अगर आप लोग को और भी ज्यादा डायमंड चाहिए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप लोग को और भी ज्यादा डायमंड मिलेंगे और आप लोग सब्सक्राइब की न्यू एनिमेशन भी देख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है विच इज द बेस्ट कोऑर्डिनेट ऑफ डायमंड माइनिंग इन विच भर भर के डायमंड रहता है। मैनेज कर लेना, इसके आगे मुझे इंग्लिश नहीं आता। तो डायमंड माइनिंग के लिए सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेट है -53 एंड -58। आप लोग इन दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट माइन कर सकते हो, आप लोग को काफी ज्यादा डायमंड मिलेंगे, लेकिन मैं पर्सनली -53 पे करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे काफी ज्यादा डायमंड मिलते हैं। और ये सब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसका मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे -53 पे हूँ और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि इस लेवल पे हम लोग को कितने ज्यादा डायमंड देखने को मिल रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे ज्यादातर डायमंड -58 या -53 में ही देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। Hence LHS equal to RHS proved। रुको जरा, सबर करो, आप लोग को कोऑर्डिनेट पता चल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को भर भर के डायमंड मिल जाएंगे, आप लोग को सही तरीका भी पता होना चाहिए, जो कि आई नो आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन आपके भाई के रहते आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप लोग को मैं बताऊंगा। मैं आप लोग को केव एक्सप्लोर करने का सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ पर हम लोग को काफी ज्यादा खतरा होता है, और आप लोग वहाँ से जिंदा वापस आओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग को डायमंड माइनिंग का सबसे बेस्ट ट्रिक होता है स्ट्रिप माइनिंग, जिसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, बस स्ट्रेट लाइन में माइन करना रहता है। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि आप लोग से बातें करते करते यहाँ पे हम लोग को डायमंड भी मिल चुका है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर स्ट्रिप माइनिंग करते हैं और फिर देखते हैं हम लोग को कितने ज्यादा डायमंड मिलते हैं। स्ट्रिप माइनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग को घर जाना रहता है, तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट घर नहीं जाना, आप लोग को साइड साइड में माइन करते हुए जाना है। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो हम लोग को पहली बारी में ही डायमंड मिल चुके हैं। तो यार मतलब आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे आप लोग को इंस्टेंट प्रूफ भी मिल जा रहा है जिससे आप लोग कोई शक भी नहीं कर सकते मेरे ऊपर। और ऊपर से याद है आप लोग को लेफ्ट राइट में तो माइन करना ही है, साथ ही साथ आप लोग को ऊपर में भी माइन करना है कुछ इस टाइप से। हाँ, लेकिन अगर ऊपर से लावा गिर जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चीटिंग करता है तो वैसे उतना भी डरने वाला चीज नहीं है गाइज, आप लोग को यहाँ पे आराम आराम से माइन करना है जिससे आप लोग को कुछ भी नहीं होगा। देन हम लोग को यहाँ पे दो दो ब्लॉक छोड़ के वही सेम चीज रिपीट करना है, हम लोग को राइट में भी माइन करना है, लेफ्ट में भी माइन करना है और ऊपर में भी माइन करना है। इससे क्या होता है कि हमारा एक बड़ा सा एरिया कवर हो जाता है और हमारी चील की आंखों से एक भी डायमंड छूटता नहीं है। तो चलिए गाइज, इस मेथड का यूज करके भी थोड़ी देर माइन करके देखते हैं। Okay, तो यहाँ पे मैंने लगभग 10-15 मिनट माइन किया और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को कितने ज्यादा डायमंड मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल 19 डायमंड मिले हैं बस 10-15 मिनट में। और अगर हम लोग इतने डायमंड को फॉर्चून 3 से माइन करते तो शायद से हम लोग को 50-60 डायमंड इजिली मिल जाते। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कोई भी एक विलेज ढूंढ लेना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक बेरोजगार विलेजर ढूंढना है, उसके बाद आप लोग को उसको कैसे भी डरा के धमका के तलवार दिखा के फॉर्चून 3 का एक बुक ले लेना है जिसको कि आप लोग इजिली अपने पिकेक्स में लगा सकते, तो जिससे हम लोग को एक ही ओर से काफी ज्यादा डायमंड मिल जाएंगे। और अगर बाय चांस वो विलेजर आपको फॉर्चून 3 की बुक देने से मना करे तो उसका आप लोग को खोपड़ी तोड़ देना है, बट ध्यान रखना वहाँ पे आप लोग को आयरन गोलम नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो उसके बाद गोलम चीचा जो आपकी सुताई करेंगे उसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो गेम बजाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग एक और काम भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग को एक विलेजर को आर्मरर या टूल स्मिथ बना लेना है और उनको आप लोग को मैक्स आउट भी कर देना है जिससे कि आप लोग को फुल डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स ऐसे ही मिल जाएंगे इजीली, जिससे आप लोग को ये फायदा होगा कि आपके डायमंड की बचत होगी। तो बचत करना सीखो गाइज। बात तो सही है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी ट्रिक को, और जो कि आप लोग को लिटरली कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चीटिंग है, बस इतू सा। तो सबसे पहले आप लोग को अपने वर्ल्ड के कॉपी वर्ल्ड में चल जाना है और यहाँ पे आप लोग को ये एक्सरे वाला एड ऑन लगा लेना है। एंड लुक एट दिस गाइज, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे हम लोग को सारे और विजिबल हो जा रहे हैं इजिली। तो यहाँ से आप लोग सारे डायमंड का कोऑर्डिनेट नोट कर सकते हो और अपने रियल वर्ल्ड में जाके उनको माइन भी कर सकते हो। क्यों क्रीपर भाई, कैसा लगा मेरा आइडिया? ब्लेज भाई, आइडिया तो बहुत ही मस्त था, लेकिन हमारे पास एक्सरे मोड नहीं है। अरे क्रीपर भाई, बस इतनी सी बात, अगर आप लोग को एक्सरे मोड के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं जल्दी से एक्सरे मोड के ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। ओके गाइस, तो चलिए आज के इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।